Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोसेस क्लासिफिकेशन के बारे में कि किसी भी सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है उसको हम कितनी क्लासिफाई कर सकते हैं. कितनी केमिकल प्रोसेस में बी क्लासिफाइज एज बैच, कंटिन्यूस और सेमी बैच, एज स्टेडी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट. बैच प्रोसेस है क्या? सबसे पहले आता है बैच प्रोसेस. बैच प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि द फीड इज चार्ज फीड इन टू अ वेसल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड द वेसल कंटेंट्स आर रिमूव समटाइम लेटर. कि अब हमने सिस्टम में इनपुट डाला है, फीड डाली है, तो एक दफ़ा ही डाल ली है, एक दफ़ा निकाल लिया ओवर दी समटाइम्स ऑफ रिएक्शंस आफ्टर समटाइम्स. उसके बाद निकाल दी है तो वो हमारा है बैच प्रोसेस. मतलब इनपुट इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू आउटपुट फाइनल क्वांटिटी. मतलब हमने जितना इनपुट डाला उतना मिल गया. लेकिन क्या हुआ है, एक हमने इनपुट डाला है, कुछ टाइम में रिएक्ट किया, उसके बाद हमने निकाल दिया. ये हमारा बैच प्रोसेस. एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसकी कि एड रिएक्टेंट टू अ टैंक एंड रिमूव द प्रोडक्ट्स एंड अनकंज्यूम रिएक्टेंट समटाइम लेटर व्हेन द सिस्टम हैज़ कम टू इक्विलिब्रियम. अगली आती है कंटिन्यूस प्रोसेस. इसे हम स्टेडी प्रोसेस ही बोलते हैं. द इनपुट एंड आउटपुट फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस. कि अब हमने इनपुट डाली जा रहे हैं, आउटपुट निकली जा रहा है, इनपुट डाली जा रहे हैं, आउटपुट निकली जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. पंप अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड इनटू अ डिस्टिलेशन कॉलम at a constant rate and steadily without product streams from the top and bottom of the column. ये हमारा continuous process. इसका नाम ही continuous है कि डाली जाए input और वहाँ से output निकली जाएगा. अगला जो है, तीसरा जो है वो है semi batch process. semi batch में ये होता है कि इसमें any process that is neither batch nor continuous. कि अब हम इनपुट डाले जा रहे हैं तो आउटपुट एक लम्हे के बाद निकालना है. नज़र आ रहा है कि बी अंदर जाई जा रहा है, इनपुट जाई जा रहा है और एक लम्हे के बाद हम आउटपुट निकाल रहे हैं. मतलब हम इसे स्टेडी, इसे हम इसे बैच प्रोसेस ही बोल सकते हैं. और इसे हम, ये बैच भी है और ये कंटिन्यूस भी है कि हम एक दफ़ा डाली जा रहे हैं इनपुट डाली जा रहे हैं और एक दफ़ा इनपुट हमने निकाल दिया. इसे हम बैच प्रोसेस भी बोल सकते हैं और इसे कंटिन्यूस. इसे नाम रखा गया इसका सेमी बैच प्रोसेस. अब अगली बात जो इसकी आती है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे हम यूज़ भी करेंगे, वो है स्टेडी प्रोसेस. ये टिपिकली फॉर अ कंटिन्यूस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है. कि सिस्टम है कि हम 50 kg पर आर हम डाल रहे हैं तो 50 kg ही बाहर निकल रही है. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जीरो एक्यूमुलेशन हो. एक्यूमुलेट का मतलब होता है अंदर के रिएक्टर के अंदर रह जाए, नहीं रहती. मतलब इनपुट आउटपुट जाई जा रही है तो हमारा ये स्टेडी स्टेट है. 50 kg डाला है, 50 kg मिल गया है, तो इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट. प्रॉपर्टीज़ आर इनवेरिएंट, डोंट वेरी. प्रेशर टेम्परेचर पे नहीं वेरी करता और फॉरवर्ड रिएक्शन इसका रिवर्स रिएक्शन के बराबर नहीं होता. अगली जो चीज़ है वो है हमारी ट्रांजिएंट स्टेट. ट्रांजिएंट स्टेट में ये होता है कि नॉन स्टेडी स्टेट हमसे बोलते हैं कि हम जितना डाल रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा. मतलब 50 kg डाल रहे हैं, 49 मिल रहा है, तो एक्यूमुलेशन क्या हो रही है, 1 kg. हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी के CPP के हवाले से. आपको पता होनी चाहिए कि एक सिस्टम में ये सिस्टम ट्रांजिएंट है या स्टेडी है, कंटिन्यूस चल रहा है, क्या चल रहा है. तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए. जज़ाकअल्लाह.